करेक्ट 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 मेक सो बेसिकली देवर टू ग्रुप्स, ओके, देवर टू बिग ग्रुप्स, एक ऑफ कोर्स बसीर की साइड पे, एक ऑफ कोर्स केविन की साइड पे, और हम केविन के वाले ग्रुप में ही थे स्टार्टिंग से. तो अब ये सॉर्टेड था. ऑफ कोर्स हमें पता है कि सिड वाज वेरी वेरी क्लोज टू अस, मतलब वो एक ऐसी न्यू दोस्ती थी जो हमने ऑन द शो बनाई थी, एंड वी वर आल्सो वेरी डिसहार्टेंड कि हमको उसको वोट आउट करना पड़ेगा, बट जैसे कि एपिसोड में भी दिख रहा है. प्लान या दैट वाज द थिंग गाइस, जो जो प्लान है वो उतना रिवील मत करो आप लोग, वो हमें देखना है. प्लस हमें हम ये नहीं 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 प्लान कोई नहीं, वो हो चुका है, वो हो चुका है अभी तक एपिसोड में. हमने यही सोचा था इस एक सेकेंड इस साइड तक ना वो रियलिटी हो चुकी है, जहां पे आई कम आउट एंड से दैट यू नो चावला के अगेंस्ट. तो ऑफ कोर्स मैं सिड के ऊपर चावला को वोट आउट नहीं करूंगी. अभी हमारे पास ये ऑप्शन है, तो हायरार्की वाइज ऑब्वियसली चावला को मैं नहीं वोट आउट कर सकती. सिड विल हैव टू, वो होता है ना कोलैटरल डैमेज, क्योंकि हम चावला से इतने क्लोज नहीं थे वैसा. मैं समझ रहा हूँ कि इस तरीके से यू नो आप लोग की प्रायोरिटी नैरो डाउन हो रही है, इस तरीके से बातें बैठ रही. मुझे आप लोग ये बताओ, यू उसको चलने दो, उसका बस वॉल्यूम कर दो पीछे वाले एपिसोड का, एपिसोड चलने दो, एपिसोड को चलने दो, थोड़ा सा वॉल्यूम कर दो. मुझे ये बताओ युक्ति, यू सेड अभी तक की यू नो गेम में सोहेल भाटिया आपके मेन प्रायोरिटीज है, आरुषि चावला जिनको आप काफी समय से पहले से जानती हैं, वो भी आपके काफी अच्छी दोस्त हैं. उसके बाद क्या आपको लगा था एट एनी मोमेंट इन द गेम अभी तक के एपिसोड में, अगेन आई एम नॉट रेफरिंग टू व्हाट्स हैपेंड टुडे, कि आप में और टीम लॉयल्टी के किसी भी मेंबर में कोई डिस्प्यूट आ सकती है? डिड यू एवर फील दैट? नो, क्योंकि ऑनेस्टली हम साथ इसलिए नहीं आए थे क्योंकि हमको एक दूसरे की जरूरत थी, या इट वॉज नीड ऑफ द गेम. नो, वी कनेक्टेड, वी लाइक ईच अदर्स कंपनी, दैट्स व्हाई वी वर प्लेइंग विद ईच अदर. उसके भी ऑन थोड़ी कुछ था, ऐसा थोड़ी था कि मेरे को ये है यार. आप गेम कैसे खेलते हो, दो तरीके खेलने के, एक ग्रुप जो बना था, जो दूसरा ग्रुप था जिसमें ऑफकोर्स देयर वाज गौरव, बसीर, दत्ता, हु न्यू ईच अदर फ्रॉम बियॉन्ड, उनका भी ग्रुप कैसे बनाते थे, लाइक ईच अदर ऑन द शो. उन्होंने आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया, वी लाइक ईच अदर, हमने आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया, तो ऐसे ही ग्रुप बनते हैं और क्या होता है. बट अब उसके बीच में अगर जी करके ग्रुप नहीं बनाता, ये इंसान के साथ मैं खेलूंगा, नो. जितना आई नो युक्ति एंड युक्ति नोज मी, बट ये तो रोडीज है गाइस. जो आप लोग बात कह रहे हो कि जो आप लोग ने अभी एपिसोड के स्टार्ट में देखा कि केविन और बसीर की बात हो रही है, दिस हैपेंस एवरी डे ऑन रोडीज. कभी दोस्ती होती, कभी दुश्मनी होती, इट्स अ सर्वाइवल गेम, राइट? सो मुझे नहीं लगता, आई मीन फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव, आई डोंट थिंक ये कुछ सही है या गलत है. इट्स जस्ट नथिंग. मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि सही गलत तो कुछ नहीं है, पर अगर आप दो सीजन से एक नारा लेके चल रहे हैं कि लॉयल्टी इज रॉयल्टी, आपने टी शर्टें बनवा ली है, आपने बैनर छपवा ली, होर्डिंग बना दी, पूरे मुंबई को पता लॉयल्टी इज रॉयल्टी, उसके बाद आप सोचते हो कि कन्वीनियंस ये कहती है कि मैं अपनी लॉयल्टी इज रॉयल्टी तोड़ के वजीर के पास चला जाता हूँ, बिकॉज मैं अपनी मास्टर माइंड हूँ, गेम तो मैं चला रहा हूँ. क्या पता इस छोटे से आर्ग्यूमेंट के कारण आप लोग की दोस्ती और घनिष्ठ हो जाए. एपिसोड जहां तक अभी चल रहा है, वहां पर कंफ्यूजन तो बहुत चल रही है भैया, कि चल क्या रहा है. तो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, क्या चल रहा है, अब ये देखो क्या चल रहा है. ओहो, रुक जाओ, सुनो मेरी बात. हाँ, तो जब मैं मुंगेरी लाल की हसीन सपने कहानियां, वो तो शुक्र है भगवान का कि एक इस टीम में छोटा सा एक प्राणी है अर्श, जिसके हमें पता लग गया कि स्टोरी स्टार्ट हो गई है, सो दैट वी कुड टॉक अबाउट इट बिफोर द वोट आउट, वरना भाई साहब तो सबको एक्सपोज कर रहे थे वोट आउट के टाइम पे. ओह गाइस, वेट फॉर दिस. ओके, ये तो काफी तगड़ा एडिट था, ये जो ऐसा रिवाइंड किया अंदर. वन सेकंड, गाइस, युक्ति, सो वेट हियर,
एपिसोड सो हियर अर्श आपसे आके डिस्कस कर रहा था कि आप लोग वोट करने वाले आरुषि को. एक्चुअली मैं और सोहेल जैसे कि इसमें भी दिखाया हम बैठ के एक्चुअल में वी वर डिस्कसिंग कि चलो इस बार का वोट आउट तो सॉर्टेड है बिकॉज उस टीम में से काव्या और सिद्ध बचे हैं एंड ऑल दैट. सडनली आउट ऑफ द ब्लू हम देखते हैं कि नंदनी केम नंदू केम टू मी एंड शी इज लाइक कि बसीर इज गोइंग अगेंस्ट चावला. तो मैंने कहा यार चल ठीक है वो काफी टाइम से बोल ही रहा है ऐसा नहीं है कि उसने फर्स्ट डे बोला है कि मैं चावला. ही वेरी ओपनली सेड दैट ही वांट्स टू गो अगेंस्ट चावला. तो मैंने कहा ठीक है मैं उसका वोट तो चेंज नहीं कर सकती बट हमारे पास मेजोरिटी है तो हम चार लगे गेंस नहीं जाएगी. ये कॉन्वर्सेशन हो गई. इतनी देर में मैं देखती हूँ कि छुपके से कोई ऐसे ना वो करता हुआ आता है हमारी टेंट के बिल्कुल बगल में और फिर टेंट में जाकर छुप जाता. मैंने सोहेल को देखा मैं क्या इसको लग रहा हूँ कल आया क्या अर्ज बेटा ये जो हमें पता है. अच्छा अर्ज ओके ठीक है नहीं 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 ऑल्सो जो जो हम बात कर रहे थे वो टाइम पे वॉज when we are normally talking and we were like ki chalo we to know ki next kavya and sid is there for this vote out we are going to target them. itne mein hum ye dekhte hai ki kevin ke sath basir was talking ki ye sab hua and then I and yukti we were like ki chal yaar ek na let's have one last chat with everyone ki dekho apna plan to yahi hai kavya and sid to let's not change anything and jo bhi मतलब we wanted to know कि भाई क्या बात चल रही है वहाँ पर दूसरी साइड पे क्या बात चल रही है. तो yes तो हम इतने में हम जाते हैं वहाँ पर and Kevin and Sondus वहाँ पर खड़े and Sondus is like हमको कहती है रुको. काव्या को कहती है काव्या you take a name अगर हमको वो नाम पसंद आया तो we will vote with you. I'm like wait what I'm like what did I just hear. मैंने युक्ति की तरफ देखा. युक्ति कहती है रुक 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 बात करते. मैंने बोला नहीं मेरे को कोई बात नहीं करनी मैं निकल रहा हूं वहां से बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन ओवर देयर. मैं बोला ठीक है लेट देम टॉक फर्स्ट लेट युक्ति लिसन लेट्स लीव. और मैंने सोनूस को देख के बोला कि सोनूस लिसन जब हो जाएगा ना तब हम बात करते हैं एंड आई वॉन्ट टू नो कि ये नाम आएगा तो हम भी वोट करेंगे ये क्या चीज है. तो शी गिव नो रिप्लाई. तो हम जाके वहां पर खड़े हो गए तब तक आशीष आता है एंड आशीष ने जो बोला है हमें वहां पर दैट शॉक. एपिसोड पे तो देखा ही है ना लोगों ने कि क्या बोला है कि वहां से सोहिल और सिमी का नाम आ रहा है. आई वाज लाइक वाह. और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे मैंने अब सुना मतलब ऑन द एपिसोड आई हर्ड इट क्योंकि मेरे को वहां तो पता नहीं था कि उसने बसीर को बोला कि केविन टोल्ड बसीर दैट यू नो इफ यू गो अगेंस्ट चावला दैट वीकन्स मी लाइक केविन एंड इफ यू गो अगेंस्ट सोहिल एंड सिमी दैट विल वीकन युक्ति. तो उसके दिमाग में वो ऑलरेडी एक कर चुका है ना मतलब प्री प्लान कर चुका था सब कुछ.